मुझे तो लगा था ये ड्रामा रोमांटिक कॉमेडी है, बट एपिसोड नंबर सेकंड ने लिटरली हमें सैड करके रख दिया है। व्हाट इज इवन सैडर कि धीरे धीरे हमें पता चल रहा है कि हेइन कितनी लोनली है। हयुनवु के साथ भी उसके कुछ कन्वर्सेशनल गैप है, उसकी फैमिली उसे लाइक नहीं करती है, और तो और उसे एक ऐसी सीरियस इलनेस हो गई है जिसकी वजह से शायद उसकी 3 मंथ्स में डेथ होगी, और उसे ऑलरेडी पता है कि उसके डेथ से बहुत सारे लोगों को खुशी होने वाली है इंक्लूडिंग हयुनवु। बट एपिसोड नंबर 2 में इस सीन में उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि शायद हयुनवु उसकी केयर करता है और उसके डेथ से उसे काफी दुख होगा। बट हमें पता है रियलिटी में हयुनवु का मेंटल स्टेट ऐसा है कि ही लिटरली वॉन्ट्स हर टू डाई इन 3 मंथ्स ताकि वो फ्री हो जाए उससे। तो ये सारी चीजें, हेइन का रिलेशन विद हयुनवु, उसकी फैमिली और उसकी डिटोरिएट होती हुई मेंटल हेल्थ, मतलब लिटरली उसके ट्यूमर का असर अब उसके ऊपर हो रहा है, क्लाउडी हेड उसे बार बार हो रहा है, तो ये सारी चीजें देख के मुझे हेइन के लिए काफी सॉरी फील हुआ इस एपिसोड में। टू द पॉइंट मुझे इतना सॉरी फील हो रहा था कि मुझे ऐसा लगा कभी कभार कि हयुनवु इज एट फॉल्ट, उसकी भी गलती है जो लोग के कन्वर्सेशनल गैप्स है बीच में, जिसकी वजह से उन लोग का रिलेशन इतना खराब है। तो खैर, एपिसोड नंबर 2 में एक बहुत ही स्पाइसी और एक विलनिश कैरेक्टर की एंट्री हुई है उनसंग। मुझे लगता है कि ये काफी स्पाइस डालने वाला है इस ड्रामे में, और नेक्स्ट एपिसोड से ही हमें वो देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, ये थे टॉप ग्लिम्स ऑफ एपिसोड नंबर 2। नाउ शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3 का प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन इन हिंदी। एपिसोड नंबर 2 काफी ड्रामेटिक और हार्ट फ्लटरिंग वे से एंड हुआ था। एक बोर जब सडनली हेइन के ऊपर अटैक करने लगता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है बिकॉज उसे उसके ट्यूमर की वजह से क्लाउडी हेड होने लगते हैं और हेलुसिनेट करने लगती है। बट इससे पहले बोर उस तक पहुंच पाए, हयुनवु सही टाइम पे उसके आगे आता है, उसे प्रोटेक्ट करता है और बोर को शूट करता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में होने वाला है, बिकॉज हयुनवु ने एक बोर को शूट किया है, हेइन के जो फैमिली वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे कि एवरी ईयर वो एम्प्टी हैंड जाता है और किसी भी एनिमल को शूट नहीं कर पाता, तो इस इंसिडेंट से होने वाला है कि उन सभी लोगों का, हेइन के फैमिली मेंबर्स का मुंह बंद हो जाएगा, बिकॉज इस साल उसने ऐसे एनिमल को शूट किया है जिसको उसके फैमिली मेंबर जो एवरी ईयर शूटिंग पे आते हैं वो तक नहीं मार पाए। तो खैर, हयुनवु का वो इंटेंशन था भी नहीं कि उसे किसी बोर को मारना था, वो तो खाली हेइन को प्रोटेक्ट कर रहा था। वेल, ये जो प्रोटेक्शन था ये भी कोई खाली नहीं जाने वाला है। उसके इस एक्ट के वजह से हेइन काफी टच फील करेगी और थोड़ा अफेक्शनेट फील करेगी टुवर्ड्स हयुनवु, बिकॉज उसे एनीवेज आजकल ऐसा लग रहा है कि हयुनवु इकलौता बंदा है जो उसकी केयर करता है। वेल, इसके बाद होने वाला है, इस इंसिडेंट के बाद हेइन काफी वीक फील करेगी और वो ठीक से चल भी नहीं पाएगी, तो हयुनवु जो कि इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट हर, उसे लिफ्ट करेगा और उसे उस बंगलो या फिर विला तक लेके जाएगा जहां पर उसकी फैमिली के साथ सभी लोग स्टे करने वाले हैं उस नाइट पे। और ये जो इन लोग का स्टे होगा टुगेदर इन अ रूम और साथ में हयुनवु और हेइन का, ये देखने हमें काफी मजा आएगा, बिकॉज हमें अच्छे से पता है कि हेइन और हयुनवु का रिलेशन फिलहाल इतना बुरा है कि दे आर नॉट इवन स्टेइंग टुगेदर। बट फिलहाल सिचुएशन जो है वो थोड़ी अलग है, हयुनवु को थोड़ी जेलसी फील हो रही है और हेइन थोड़ी टच्ड है, मतलब उसे थोड़ा अफेक्शन फील हो रहा है टुवर्ड्स हयुनवु। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज मल्टीपल मूवमेंट ऐसे आएंगे जब हेइन का जो हार्ट है वो फ्लटर होगा एंड शी विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड हयुनवु। एंड एट द अदर हैंड हम देखेंगे एपिसोड नंबर 3 में हयुनवु मल्टीपल टाइम कॉन्स्टेंटली जेलस फील करेगा और इनसिक्योर फील करेगा बिकॉज ऑफ उनसंग। उनसंग ने हमें काफी नेगेटिव और विलनिश वाइब दी है एपिसोड नंबर 2 में, तो इसका कंटिन्यूएशन एपिसोड नंबर 3 में होगा जरूर, एंड वो इतना इजीली बैकआउट नहीं करेगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि उसे ऑलरेडी पता है कि हयुनवु और हेइन का रिलेशन अच्छा नहीं है, इसीलिए हम देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो मल्टीपल टाइम हेइन को मैनिपुलेट करके मे बी उसे रियलाइज कराना चाहेगा कि उसका और उसके हस्बैंड का रिलेशन अच्छा नहीं है, ताकि वो अपने लिए हेइन के हार्ट में थोड़ा स्पेस बना पाए या फिर वो हेइन से क्लोज हो पाए। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, बिकॉज भले ही हयुनवु के दिल में थोड़ा बहुत हेइन के लिए चेंजेस आए हो, हेइन के दिल में हयुनवु के लिए नहीं आए, वो खाली बात करने में बुरी है, हम ऐसा बोल सकते हैं। बट उन संग जो हेइन के क्लोज आने का ट्राई करेगा, उसके एक्शन का रिएक्शन हयुनवु में देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज उसे काफी जेलसी फील होने वाली है, एंड ये सब चीजें हमें देखने के लिए मिलेगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो ये सब चीजों के अलावा प्रीव्यू के हिसाब से ये जो बोर वाला इंसिडेंट होगा, इस चीज को हयुनवु इतना इजीली जाने नहीं देगा और वो खुद से जाके इन्वेस्टिगेट करेगा और उसे क्लूज तक मिल जाएंगे कि जाली टूटी है एज इफ किसी ने जानबूझ के उस बोर को रिलीज किया था हेइन के एरिया में ताकि उसके ऊपर अटैक हो पाए। तो सारी इन्फॉर्मेशन हयुनवु कलेक्ट करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा। तो भले ही हमें नेक्स्ट एपिसोड में थोड़े अफेक्शनेट मोमेंट या फिर जेलसी मोमेंट देखने के लिए मिले, बट जो कोर उन लोग का रिलेशन है वो है फ्रस्ट्रेटिंग। तो यस, नेक्स्ट एपिसोड में भी हम यही देखने वाले हैं कि हयुनवु अपने इस मैरिज के लाइफ में फ्रस्ट्रेट होगा, बिकॉज उसका जो रिलेशन है हेइन के साथ वो कुछ तो ऐसी ही है।